2024 नव वर्ष आ चुका है। नव वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ मैं मधु सिरसा हरियाणा से बगिया की महक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे फूलों के शहर की सैर और एक ही जगह पर बहुत सारे फूलों की वैरायटी देखेंगे, वो भी सारे सर्दियों के होंगे, परमानेंट होंगे। और ये फूलों का शहर 2 दिन के लिए ही बसाया गया था चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर हिसार यूनिवर्सिटी में, जो कि हर साल इस समय सर्दियों में लगता है। आज बहुत ही ठंड पड़ रही है, लेकिन यहाँ आकर कुछ अच्छा लगा क्योंकि यहाँ गैदरिंग ज़्यादा थी तो टेम्परेचर थोड़ा कम ही लगा और धूप भी मुझे निकलती नज़र आ रही है, तो ऐसे में हमारा यहाँ आना काफ़ी मुझे लगता है सफल होगा। पहले मैंने कुछ जानकारी ली, यहाँ पे कोई मेडिसिनल प्लांट्स रखे हुए थे उनके बारे में जानकारी ली। ट्रे में जो छोटी छोटी पौध लगी हुई है ये ब्रह्मी है और सामने केले की पौध लगी हुई है और ये स्टीविया के प्लांट्स भी देखने को मिले। उन्होंने कहा कि स्टीविया तो अगर आप घर लेके जाते हो लोग कहते हैं कि सूख जाता है, मैंने कहा नहीं भाई, मेरा तो 1 साल से चल रहा है और बहुत बढ़िया ग्रो हो रहा है और अब तो इनमें सीड्स भी बहुत सारे मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर आपको फूलों की वैरायटी तो देखने को मिलेगी, साथ में फूलों के गुलदस्ते हम कैसे बना सकते हैं, बोनसाई रूप में कौन कौन से प्लांट्स अच्छे लगते हैं और पानी में हम कैसे प्लांट्स को लगा सकते हैं, और साथ में यहाँ पे एक कैक्टस गार्डन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे बहुत ही सुंदर कैक्टस की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको रंगोली दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर यहाँ पे रंगोली बनी हुई थी और मुझे भी रंगोली बनाना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए डिजिटल रंगोली बनी हुई है, कितनी सुंदर है। और यहाँ पेड़ के चारों तरफ प्लांट्स रख के फिर यहाँ पे देखिए चारों तरफ रंगोली बनी हुई है। यहाँ पर बोनसाई रूप में भी प्लांट्स रखे हुए हैं और मैक्सिमम ये प्लांट्स फाइकस के ही हैं, क्योंकि फाइकस जो है वो बोनसाई रूप में काफी अच्छा लगता है। और ये देखिए मधुमालती का बोनसाई, ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा। मैक्सिमम जो प्लांट्स थे वो गुलदाउदी के हैं और बहुत सारी वैरायटी यहाँ देखने को मिली। और ये कुछ इंडोर प्लांट्स भी इन्होंने रखे हुए हैं, ये देखिए क्रोटोन है, डाइफन है, कोलियस है और ये केल है, बहुत बड़ा देखिए इसमें फूल बना हुआ है ये केल का, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि जो पौधे रखे हुए हैं वो बहुत ही एक सुंदर ढंग से रखे हुए हैं और इनका अरेंजमेंट बहुत ही प्यारा है। कहीं लकड़ी के स्टैंड बनाकर रखा हुआ है, कहीं लोहे के स्टैंड भी लगे हुए हैं और कोई मूर्तियां भी रखी हुई हैं। आप आगे आगे देखोगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा कि हमें आइडियाज भी इससे मिलते हैं कि हम अपने प्लांट्स को कैसे रखें, कैसे हम अपने गार्डन को एक ब्यूटीफुल गार्डन बना सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए पॉइनसेटिया प्लांट भी है और सर्दियों में ही इतना सुंदर लगता है क्योंकि सर्दियों में इसकी पत्तियों का कलर है जो वो रेड हो जाता है। यहाँ आने से हमें ये पता चलता है कि इस समय हम कौन से फूल गार्डन में खिला सकते हैं, कौन से फूल ऐसे हैं जिनकी पैदावार इस समय बहुत बढ़िया हो सकती है। ये देखिए फूल गुलाब के तो बहुत सारे हैं और ये लिली का प्लांट है, ये प्लांट भी बल्ब से ग्रो होता है, इसे लिलियम भी बोलते हैं। और इसमें कलर देखिए कितने सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, पिंक है, येलो है, वाइट है। डहेलिया के फूल भी काफी बिग साइज के थे और कलर भी इसमें बहुत सारे थे, सिंगल कलर में भी ये देखिए और डबल कलर में भी, ये पिंक और वाइट और रेड और वाइट भी है।
तो बहुत ही सुंदर है ये, देखिए फूल लगे हुए हैं। इतने हेल्दी और सुंदर पौधे देखकर मन में एक ही विचार आता है कि इनको खरीद लिया जाए, लेकिन पूछने पर पता चला कि ये पौधे सेल के लिए आज के लिए तो नहीं है, कल इनको सेल किया जाएगा। तो मन बहुत उदास हो गया कि बिना खरीदे ही हमें आज यहाँ से लौटना पड़ेगा। आसानी से हर कहीं ग्रो होने वाले ये गेंदे के पौधे देखिए, हर वैरायटी है यहाँ पर, फ्रेंच भी है और जाफरी भी है और कलर भी बहुत सारे हैं। अलग अलग फूलों को यहाँ पे देखिए इकट्ठे सजाया गया गुलदस्ते के रूप में, और ये देखिए ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये टोकरी में देखिए बहुत ही कम फूल हैं, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है। और ये ढेरों फूल एक साथ देखिए, तो ये सारे ही बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये भी एग्जीबिशन के लिए रखे हुए हैं, इसमें प्राइज निकालेंगे। ये देखिए बटन गुलदाउदी कैसे अच्छी लग रही है। ये गुलाब बीच में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब हम आ गए हैं कैक्टस गार्डन में, ये यहाँ परमानेंट बना हुआ है, लेकिन इस समय देखिए पॉट में भी ये रखे हुए हैं कैक्टस के प्लांट्स। और ये यूफोरबिया ट्राइगोना रॉयल रेड प्लांट है, बहुत ही सुंदर प्लांट है ये। इसकी हाइट काफी लंबी चली जाती है पॉट में भी। और ये भी देखिए सारे कैक्टस के प्लांट हैं, कुछ के मुझे नाम पता है और कुछ के नहीं पता, लेकिन बहुत ही प्यारे प्लांट है ये भी। और ये देखिए यहाँ अगावे प्लांट भी मुझे दिखाई दे रहा है, पॉट में भी लगे हुए हैं अगावे प्लांट, और ज़मीन में तो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी अभी। और ये देखिए कितनी अच्छी वैरायटी है कैक्टस की, ये बहुत ही सुंदर प्लांट है। बहुत ही सुंदर प्लांट्स हैं ये सारे। और ये देखिए माय गॉड, ये तो बहुत ही सुंदर है। और ये भी अगावे प्लांट है, यहाँ काफी वैरायटी मुझे अगावे प्लांट की देखने को मिली जो कि हमारे वहां नहीं होती। और ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है ये पेड़ के मोटे तने को काट कर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अब घर जाने का भी समय हो गया क्योंकि थोड़ी देर में कोहरा भी पड़ना शुरू हो जाएगा। और यहाँ जो भी सजावट की थी उसमें बहुत सारी मेहनत छुपी हुई लगती थी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ऐसा ही लगा जैसे फूलों के शहर की हम सैर कर रहे हैं। फूलों के शहर की ये सैर आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।